सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं कि बेसिक और एडवांस क्या है। अभी आप दोनों आदमी बोला कि मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूं, मैं बेसिक एक्सेल को अच्छा से जानता हूं, तो बेसिक और एडवांस क्या है? मतलब कि ऐसा तो नहीं कि बेसिक में कुछ और फीचर्स हैं, एडवांस के लिए कुछ अलग से फीचर्स हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कोई ऐसा क्लियर नहीं किया है कि दिस टॉपिक आर दिस ऑप्शंस आर द बेसिक, दिस ऑप्शन आर द एडवांस। बेसिक और एडवांस बनाते हैं हमारे उसके यूजेज। एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा। 20 को अगर मैंने कॉपी करके यहाँ 30 पे पेस्ट कर दिया तो 20 रिप्लेस बाय 30, राइट? यस थर्टी रिप्लेस बाय 20। लेकिन इसी में मैं पेस्ट स्पेशल यूज किया। पेस्ट स्पेशल में हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस में मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया। ऐड पे क्लिक किया तो अब क्या होगा कि जहां से कॉपी हुआ है, यहां जहां पे पेस्ट हुआ है, उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। दोनों के बीच में क्या यस होगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और रिजल्ट आपके सामने पेस्ट होगा। 50। मैं दोबारा पेस्ट सर करता हूं। अब मैं इस बार मल्टीप्लाई ले लेता हूं। मल्टीप्लाई में क्या होगा कि 20 और 50 के बीच में मल्टीप्लाई होगा और 1000 जो रिजल्ट इसका 50 के जगह पे पेस्ट हो जाएगा। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि एक्सेल के किस फीचर्स का क्या वर्क है, राइट? यस मेरे हिसाब से इसको बेसिक कह सकते हैं। अगर इसी को एडवांस एक्सेल में समझाएं तो कैसे समझाएं? एडवांस एक्सेल में थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम परसेंटेज को कैसे लिखते हैं एक्सेल में। जो 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सैंपल देना होगा। 20 और परसेंट का सैंपल। अगर मैंने 20 लिख दिया, इसके बाद हम परसेंट का सैंपल देते हैं ऊपर से, तो 2000% हो जाए। एक्सेल के अंदर में 1 इक्वल टू 100% होता है। 1 इक्वल टू 100%। इट मींस मुझे अगर 20% बाद में देना है, परसेंट बाद में लगाना है, तो 0.20 यहां पे मेंशन करेंगे और उसके बाद परसेंट का सैंपल। क्लियर है? अब यही पे एक प्रॉब्लम होती थी। हमारे एक कलीग मुझे एक डेटा भेजते थे। डेटा का वो हेडिंग क्या करते थे? परसेंटेज कर देते थे, पर डेटा होता नंबर में था। आपके सामने दिख रहा है कि उनके हिसाब से 77% है, बट मेरे पास है 77 का नंबर है। अगर इसे परसेंट का सैंपल दिया तो 77 100% आ जाएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम है कि मुझे अगर 500 का 77% निकालना है, परसेंट इन द नंबर में है, सॉरी परसेंट परसेंट के फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे? इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन 77 इन द नंबर फॉर्मेट में, तो उस केस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट गलत होगा। मुझे अपनी फॉर्मूला को चेंज करके डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पास डेटा कई सारे जगहों से आता है। अब मेरे पास तीन चार डेटा है, तो उसमें है कि बहुत कुछ डेटा ऐसे है जो कि परसेंटेज फॉर्मेट में आते हैं। अब एक दो डेटा है जो कि इस फॉर्मेट में आता है। अब एक दो डेटा के लिए मैं अपना फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला और से कई जगहों पे लगा हुआ है। तो इस डेटा को जहां मुझे कॉपी पेस्ट करके यूज करना है, वहां पे परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए, ना कि परसेंटेज इस नंबर के फॉर्मेट में चाहिए। तो इस तरह के फॉर्मेट में कुछ चाहिए 77%। अब डेटा आपके पास अगर दो चार पांच कॉलम का है या रो का है, तो आप F2 प्रेस करके इस पे परसेंट का सैंपल लगा लेंगे। इस तरह से इसको लगाने 5-10 मिनट का टाइम आपको लगेगा। डेटा लाखों में है, हजारों में है, तो काफी ज्यादा काम बढ़ाने वाला हो जाएगा, और अगर लाखों में हुआ तो आपसे होने वाला ही नहीं। इसके कई सारे सॉल्यूशंस तो हैं,
लेकिन सबसे सटीक सॉल्यूशंस के लिए अभी जो मैंने इस एग्जांपल को बताया आपको डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन उसी चीज का मैं यहां इस्तेमाल करूं। मैं एक अलग सेल पे 100 को टाइप करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और इस पूरे एरिया को राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसको हम कर देंगे डिवाइड। हो गया सर। अब इसी एग्जांपल को मैंने यहां बताया तो आप भूल जाएंगे, निश्चित है कि भूल जाएंगे, लेकिन इसी को एक प्रॉब्लम के साथ डिस्कस किया, मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताया तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। इसको मैं कह सकते हैं, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखा हुआ है, कुछ नाम लिखा हुआ है कि सुजीत, यहाँ पे सुजीत कुमार सिंह, तो चलो ठीक है, अगर मान लीजिए चार नाम है, चार पांच नाम, या फिर ये क्या हम करते हैं कुछ इस तरह का है, नेम हमने सुजीत कुमार सिंह दे दिया, यहाँ पे न्यू दिल्ली, कुमार एट द रेट ipindia.com और यहाँ पे 8802579388, कुछ इस तरह के नंबर्स है, नाम है जो काफी ज्यादा इस तरह से लिखे हुए हैं। मुझे इसके लास्ट का जो नंबर है ना सर वो अलग करना है, कुछ आइडिया है आप लोगों के पास? यस सर। अब इसमें ऐसा सर, राइट से 10 डिजिट कर देंगे, राइट फॉर्मूला लगा के, अलग अलग है इसमें, ये अलग अलग है सर, कोई दिक्कत नहीं, राइट से 10 निकालोगे तो निकल जाएगा सर, राइट से 10, हाँ ये भी आपने बात बोला, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस 91 भी लगा है, किसी में आपको यहाँ पे प्लस 91 भी लगा है नंबर, अब जरूरी नहीं कि नंबर्स इंडिया का ही हो, ये ए प्लस 977 भी लगा हुआ है, अब क्या करेंगे सर? इसमें फाइल डलवा देंगे सर, ऑस्ट्रेलिया का नंबर फाइल सेव करके कर देंगे, डिजिट कम डिजिट का होता है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? फाइंड स्पेस लगा देंगे सर, लास्ट के राइट लगा के फाइंड स्पेस करके निकल जाएगा, फिर जो लास्ट का लास्ट स्पेस कैसे निकालोगे? फाइंड जो है आपका फाइंड फॉर्मूला, ये चीज तो है, यही एडवांस के चिल्ड्रन निशानी होती है, आप फॉर्मूला तो बता रहे हैं लेकिन आप ये बता रहे हैं कि फॉर्मूला की प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूला की प्रॉपर्टी नहीं कहती है कि वो फाइंड वो लास्ट से निकालेगा, वो आपका देखिए सेवन से निकाल लेना सर, सेवन मतलब कि यहाँ का बता रहा है, तो मैं फर्स्ट नेम तो लगा सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे राज हुआ तो मैं राज यहाँ निकाल सकता हूँ, ठीक है, बट मैं ये नहीं निकाल सकता, इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है वीवीए प्रोग्रामिंग, वीवीए प्रोग्रामिंग में इन एसटीआर नाम का फॉर्मूला होता है, समझ गए सर? यस सर। उसके थ्रू कर सकता हूँ, या दूसरा एक तरीका है जो बहुत ही कॉमेडी वाला है सर, उसको मेरे छोटे से नाम पे आपको बताता हूँ, मैं जिसको बताया वो बहुत हंसा है सर, देखिए मैंने यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नाम लेता हूँ, राज कुमार रॉय, ठीक है, मैंने क्या किया सिंपल सा, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, अब यहाँ पे क्या एक रैप्ट फॉर्मूला होता है, पता है रैप्ट फॉर्मूला क्या करता है? किसी टेक्स्ट को रिपीट कर देता है, मैंने बोला कि ए को पांच बार रिपीट करो, तो उसने ए पांच बार ए लिख दिया, राइट? तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में बोलूंगा कि भाई इसमें स्पेस को रैप्ट के
फॉर्मूला से 99 बार इसको रिपीट करो। इसने क्या किया, थोड़ा बड़ा हो गया छोटा करता हूं, आप देख पा रहे हैं कि राग और कुमार के बीच में 99 स्पेस दे दिया, कुमार और रॉय के बीच में 99 स्पेस दे दिया, राइट। फिर मैं यहां बुलाया, बताया कि राइट फॉर्मूला से मैं राइट से 99 अलग कर लिया, तो 99 तो हमने स्पेस दिया ही है ना, जब 99 अलग करेगा तो कुछ स्पेस छोड़ेगा, जैसे रॉय 3 है तो 3 स्पेस छोड़ के यहां से बाकी अलग कर लेगा, ठीक है। फिर मैं ट्रिम फॉर्मूला लगाऊंगा और इसको रिमूव कर दूंगा और नाम मेरे सामने, ठीक है सर। देखिए यहां भी हम सेम चीज करेंगे, यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला ट्रिम, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में ट्रिम दे रहा है, ट्रिम में देंगे राइट का फॉर्मूला राइट, राइट में देंगे सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में बोलेंगे कि इसके अंदर जाओ स्पेस को रैप्ड, रैप्ड स्पेस 99 एंटर करो। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका लेंथ कितना बड़ा है, समझे। अब इसमें ट्रिम फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, रैप फॉर्मूला उसका भी वो सिंपल है, फाइंड का फॉर्मूला सॉरी फाइंड नहीं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला भी सिंपल है, लेकिन उसको क्लब करके इस तरह का फॉर्मूला बनाना ए जो है ए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये चीजें एडवांस एक्सेल में होती है, तो एडवांस एक्सेल इट मींस कि जो चीजें दी गई है उसको तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से यूज करना, समझ गए। मेरी डिफिनेशन में तो एडवांस एक्सेल ही आता है, मेरी डिफिनेशन में ये नहीं आता है कि रैप फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, राइट फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, हम मेरे पास आता है कि रैप फॉर्मूला को या राइट फॉर्मूला को या जो भी फॉर्मूला है उसको हम एक ऑफिशियल प्रॉब्लम में कैसे यूटिलाइज करें। अब ये चीजें मुझे कैसे पता है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण कि मैं ऑलरेडी 13 साल वर्क कर चुका हूं और अभी भी मैं रिपोर्ट कंसल्टेंट का काम करता हूं, मेरे पास 40 से 45 कंपनीज है जिसकी रिपोर्ट में मैं उसकी रिपोर्ट को ऑटोमेट करता हूं, क्रिटिकल रिपोर्ट, राइट। दूसरी, मैंने 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट को पढ़ाया है और सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस है वो भी उनके ऑफिशियल एनवायरमेंट से रिलेट करती, इसलिए मुझे उसका सटीक आंसर पता है कि आखिर क्या यूज होगा। अब आप लोग डिसाइड करो कि आपके पास क्या इस तरह का एक्सेल एडवांस एक्सेल जानते हैं या शुरुआत में जो मैंने बताया ए वाली एडवांस एक्सेल जानते। अब बारी आती है कोर्स के बारे में बताने की, तो मैं अपना कोर्स आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि मेरा कोर्स क्या है। तो iptindia.com पे जाएंगे तो मेरे कोर्सेज दिखेंगे आपको। तो बेसिकली मेरे पास दो तरह की कोर्सेज हैं। पहला है मेरा लाइव क्लासेज, अभी जो आप जूम के थ्रू मेरे साथ लाइव क्लास ले रहे हैं, ये हम लाइव क्लास आपको जूम के थ्रू देंगे। ये जूम क्लासेस जो होगी ये आपकी वो 1 से 3 लोगों के साथ होगी, बैच में 1 से 3 लोग ही होते हैं, कोई बड़ा बैच नहीं होता है, और ये आपके जो ऑफिस के सॉल्यूशंस हैं, ऑफिस की जो प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्लासेस दे। मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे की क्लासेस चलेगी और ड्यूरेशन जो है टाइमिंग जो की सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे के बीच का कोई एक बैच होगा जो आपके लिए सुटेबल होगा, बड़ा फ्री होगा और फिक्स होगा क्योंकि लाइव है तो फिक्स है। दूसरा हमारे पास आता है वीडियो क्लासेस। वीडियो क्लासेस जो हमारे पास है वो क्या है कि आपको मैं अपनी सारी क्लासेस की वीडियोस मोबाइल ऐप और वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने हिसाब से 1 दिन में 2, 3, 4, 5 जो वीडियो देखनी है देखें और देख के खुद सीखें,
प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन सपोर्ट जो है हम आपको देते हैं। तो दो तरह की कोर्सेज मेरे पास चलती है। तो वीडियो क्लासेस के लिए आपको मेरा मोबाइल ऐप डालना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए आप जो है एक्सेल एमआरएस ट्रेनिंग को सर्च करें, आईपीटी इंडिया को सर्च करें प्ले स्टोर पे, या फिर मेरे किसी भी YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मेरा ऐप का लिंक मिल जाएगा। ये ऐप iOS पे भी और Android पे भी दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। जब ऑनलाइन क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरा वेबसाइट खुल के आएगा। तो मेरे पास जो पहली क्लास है वो है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। इसमें आपको कंप्लीट एक्सेल बेसिक एडवांस होगा, एक्सेल के जितने भी इनबिल्ट फीचर्स है। अगर इसकी इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी फीचर पता चल जाएगी क्या है। इसमें आपको ऑफिस की एनवायरनमेंट है, मेनू कमांड्स है, एडवांस फॉर्मेटिंग्स है, पिवट है, एडवांस पिवट है, पिवट पावर पिवट, एडवांस पिवट्स है, डेटा विजुलाइजेशन है, मोर देन 300 फॉर्मुलेज है, एडवांस फॉर्मूला ट्रिक्स है, एरे फॉर्मुलेज है, डेटा कनेक्टिविटी, पावर क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी, डायनेमिक चार्ट्स, डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट ऑटोमेशन विद फॉर्मूला। अगर इसी की दूसरे अगर वीवीए प्रोग्रामिंग पे जाते हैं तो इसमें हम आपको वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग जिससे हम किसी भी रिपोर्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसका एमएस एक्सेस है। अगर आप कंप्लीट लेना चाहें तो मेरे पास कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आप एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, एमएस एक्सेस डेटाबेस, सीक्वल क्वेरी, डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट क्रिएशन इसमें कवर करते हैं, जो कि 120 घंटे का है। आप पावर बीआई सीखना चाहे तो आप पावर बीआई फॉर डैशबोर्ड सीख सकते हैं। पावर बीआई जो हमारी 20 से 30 घंटे की है ये आप सीख सकते हैं। बता दूं आपको एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है जिसमें आपको पावर बीआई के फंडामेंटल, पावर डेस्कटॉप, वेब, क्यूरी एडिटर, डेटा मॉडल्स, रिलेशनशिप्स, रिपोर्ट्स एंड व्यू विजुलाइजेशन, पावर बीआई सर्विसेज, पावर बीआई मोबाइल, पावर बीआई डैक्स फॉर्मूला, डैक्स क्यूरी, ऑथरिंग द रिपोर्ट, इंटरैक्टिव फिल्टरिंग रिपोर्ट्स लेआउट एंड डिजाइन, पावर बीआई रिसोर्सेज, एक्वायरिंग द डेटा, रिफाइन द मॉडल एंड डेटा मॉडलिंग। इसमें बता दूं कि मैं पावर बीआई में जो प्रोग्रामिंग पार्ट होता है, जो आर और पैथन की प्रोग्रामिंग पार्ट होता है, वो कवर नहीं करता हूं। उसको ना करने के पीछे रीजन है कि मेरे पास जो पढ़ने के लिए आते हैं वो मोस्टली नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हैं और उनके लिए प्रोग्रामिंग सीखना थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए मैंने इस कोर्स में नहीं रखा हुआ है। पैथन आर की प्रोग्रामिंग में कुछ महीनों में स्टार्ट करने वाला हूँ, उसकी यूट्यूब पे मैं वीडियोस कंटिन्यूस डाल रहा हूँ। मैंने अभी उसकी बैचेस शुरू नहीं की है, बैच शुरू करूंगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा आप जो है डैशबोर्ड सीखना चाहें ओनली फॉर एक्सेल डैशबोर्ड को सीख सकते हैं। तो ये मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप देख पा रहे हैं मेरी वेबसाइट। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे साथ कौन सी कोर्स सीख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको दो तीन चीजें मिलेगी। पहली टेलीफोनिक सपोर्ट, लाइफ टाइम टेलीफोनिक सपोर्ट। ये लाइफ टाइम जो है ये आपका नहीं है, मेरा है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं सर फिर चला जाऊंगा ऊपर से आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि ऊपर तो टेलीफोन भी नहीं चलता ना सर। तो लाइफ टाइम टेलीफोनिक सपोर्ट की अगर आप ऑफिस में काम करते समय किसी चीज में फंसते हो तो मुझे आप फोन करोगे, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा। अभी थोड़ा देर पहले ही हमारे पुरुषोत्तम पांडे जी ने फोन किया कि उनको पीडीएफ में प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको पीडीएफ वाली वीडियोज बना के भेज दी, क्योंकि फोन पे समझाना मुश्किल था तो मैंने उनके एक वीडियो बना के उनको दे दिया कि सर देख लीजिए। तो जस्ट थोड़ा देर पहले रिकॉर्ड किया। तो इस तरह की अगर आपके पास जो टॉपिक होगा वो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मतलब कि थोड़ी सी अच्छी टॉपिक है, यूजफुल है, तो मैं वीडियो बना दूंगा। छोटी मोटी टॉपिक है तो टेलीफोन पे आपको समझा दूंगा। दूसरा मिलता है फ्री रीज्वाइनिंग। अगर आपको लगता है कि आपने चीजें सीखी है बट भूल गए हैं, आपको दोबारा से रिफ्रेश होना है पूरी की पूरी कोर्स को या कोर्स के पर्टिकुलर पार्ट को, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं। उसके बाद हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, आर्टिकल्स मिलेंगे, पीडीएफ बुक्स मिलेंगे, सैंपल फाइल मिलेंगे, प्रैक्टिस फाइल मिलेंगे।